दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम, उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 30 क्लास है। इससे पहले 29 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग टू सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड, यानी पैनल बोर्ड में दो अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है, क्या रीजन है कि पैनल बोर्ड में दो अर्थिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो क्यों प्रोवाइड की जाती हैं? बैकअप के लिए। ठीक है, बैकअप के लिए। यदि आपकी एक अर्थिंग इन केस फेल कर जाती है तो दूसरी अर्थिंग उस कंडीशन में काम चला, मतलब दूसरी अर्थिंग से उस कंडीशन में आपका काम चल जाए, इस वजह से पैनल बोर्ड में दो अर्थिंग प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फेल्योर, यानी अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सर्किट द लिमिट स्विचेस आर यूज्ड, यानी किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। तो किस सर्किट में जो है लिमिट स्विच का यूज किया जाता है? लिफ्ट सर्किट में यूज किया जाता है लिमिट स्विच का। लिमिट स्विच की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल मूवमेंट को क्या करता है, डिटेक्ट करने का कार्य करता है। और ये जो ये किसके द्वारा डिटेक्ट करता है, तो कॉन्टैक्ट के द्वारा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे कॉन्टैक्ट के द्वारा ये डिटेक्ट करता है, सेंस करता है और हमें इंडिकेट करता है। और ये डिटेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाउ द कंट्रोल सर्किट वोल्टेज एंड पावर इन अ कॉन्टैक्टर आर टू बी सिलेक्टेड, यानी एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? एज पर नो वोल्टेज कॉयल रेटिंग, यानी नो वोल्टेज कॉयल रेटिंग के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द कॉन्टैक्टर, यानी संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। तो संयोजक जो संयोजक है, कॉन्टैक्टर है, उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है? सप्लाई वोल्टेज और लोड का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड, ठीक है, इसके बिहाफ पर हम कॉन्टैक्टर का चयन करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच एसेसरी इज यूज टू माउंट MCB OLR इन द पैनल बोर्ड विथाउट यूजिंग स्क्रूज, यानी पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है। तो किस सामग्री का यूज करते हैं? डिन रेल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम MCB की फुल फॉर्म की बात करें तो MCB की फुल फॉर्म क्या होता है, MCB का फुल फॉर्म क्या होता है अगर क्वेश्चन में आता है, तो ये क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का फुल फॉर्म है। और OLR का फुल फॉर्म पूछे तो OLR का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवरलोड रिले। ठीक है, ओवरलोड रिले। और यहाँ पर अगर हम डिन रिले का रेल का पूछे ये क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर धातु की बनी रेल होती है जिसका उपयोग सर्किट ब्रेकर और अन्य प्रकार के उपकरणों को माउंट करने के लिए डिन रेल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
विच टाइप ऑफ डिवाइस प्रोटेक्ट्स मोटर फ्रॉम ओवरहीटिंग एंड ओवरलोडिंग इन अ पैनल बोर्ड, यानी किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। तो किस प्रकार का उपकरण है जो मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने का कार्य करता है? थर्मल रिले, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट इज़ द यूज ऑफ जी चैनल्स इन कंट्रोल पैनल, यानी कंट्रोल पैनल में जी चैनल का उपयोग क्यों किया जाता है? फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कॉन्टैक्टर्स, यानी कनेक्टर्स यानी सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ लिमिट स्विच इन कंट्रोल पैनल, यानी कंट्रोल पैनल में वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? तो किसी भी मशीन के डिस्टेंस मूविंग को कंट्रोल करने का कार्य होता है कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कंट्रोल डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ एनी मशीन, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड ऑफ द कॉन्टैक्टर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द एसी रेजिस्टिव एंड डिटेक्टिव लोड, यानी एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड क्या है? तो ये क्या है आपका, AC2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड कई तरह के होते हैं, लेकिन इसमें अगर AC प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए पूछा जाए तो इसमें AC2 जो कोड है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑपरेशंस ऑफ कॉन्टैक्टर्स फॉर ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? तो ये कौन सा है, स्टार टू मेन टू टाइमर टू डेल्टा, ठीक है। तो ये मेन मतलब आपका सही सीक्वेंस है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई कंट्रोल पैनल्स आर प्रोवाइडेड विद कंट्रोल ट्रांसफार्मर, यानी नियंत्रण जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किया जाता है? टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट्स, यानी सहायक सर्किट संचालित करने के लिए प्रोवाइड की जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ टाइम डिले रिले ऑफ अ ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टिल इन क्लोज्ड कंडीशन आफ्टर स्टार्टिंग, यानी क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालात में हो तो क्या होगा? इस कंडीशन में स्टार्टर डेल्टा में ही रन करेगा, स्टार में रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये किस में रन करेगा, सिर्फ डेल्टा में आपका स्टार्टर रन करेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रन इन डेल्टा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द यूज ऑफ PVC चैनल इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, यानी एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में PVC चैनल का उपयोग क्या है? तो PVC के अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये क्या है आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये PVC का आपका फुल फॉर्म है। और एक कंट्रोल पैनल में वायरिंग में PVC चैनल का उपयोग क्या होता है, तो ये पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड प्रोटेक्शन, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ थर्मल ओवरलोड रिले इन कंट्रोल पैनल, यानी जो आपका नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या होता है? मेन पर्पज क्या होता है, मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाने का कार्य करता है, ठीक है, ओवरहीटिंग और लोडिंग से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरहीटिंग एंड लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई सिक्वेंशियल कंट्रोल ऑफ मोटर्स इज रिक्वायर्ड इन एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है?
तो ऑपरेशन को एक्यूरेसी, जो ऑपरेशन है आपका उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑपरेशन की, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल टू मेक ओपन फ्रेम बायोमेटेलिक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कॉन्टैक्ट्स, यानी किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है। तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिल्वर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिन रेल्स यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, यानी कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का उपयोग क्या है? तो क्या है डिन रेल का उपयोग? ये माउंटिंग द कंट्रोल एसेसरीज विथआउट स्क्रू, यानी स्क्रू के बिना आप नियंत्रण सामग्री लगाने में इसका यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच डिवाइस कंट्रोल्स द ऑपरेशन इन सिक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम, यानी कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? तो कौन सी डिवाइस जो है संचालन को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करने का कार्य करती है? तो टाइमर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डीसी लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डीसी फोर स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल ऑफ कॉन्टैक्टर, यानी कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के डीसी मानक फोर मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो ये क्या है आपका? स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ सीरीज मोटर, श्रेणी मोटर की शुरुआत और स्टार्टिंग और स्टॉप, मतलब कि स्टार्टिंग और स्टॉपिंग को ऑपरेट करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, यानी कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है? तो टू सप्लाई द पावर टू द ऑक्सिलरी सर्किट, यानी सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ द कॉन्टैक्ट्स इन अ कॉन्टैक्टर कैन बी इंगेज्ड फॉर वर्किंग, यानी किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? तो किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं? तो बाय ऑपरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट टू चेंज द पोजीशन, यानी स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच डिवाइस प्रिवेंट्स फ्लेयर आउट ऑफ स्ट्रिप्ड एंड स्टैंडर्ड केबल्स इन द पैनल बोर्ड, यानी कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुंथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? तो ये क्या है? लक्स एंड थिम्बल्स, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड रैट्स इन टू द पैनल, यानी पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करेंगे? तो पैनल में कीड़े और चूहों से रक्षा कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग ग्रोमेट्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रोमेट्स का उपयोग करके कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एसेंशियल फीचर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अ लेआउट ऑफ कंट्रोल पैनल, यानी नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना चाहिए? तो किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना चाहिए? कैबिनेट डोर के बाहर के डायमेंशन और साइन एरिया को, ठीक है, जो कैबिनेट डोर है उसके बाहर के डायमेंशंस आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, आउटसाइड डायमेंशन एंड स्विंग एरिया ऑफ कैबिनेट। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पावर एंड कंट्रोल वायरिंग्स रन इन सेपरेट रेस वेज, यानी पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं? तो टू रिड्यूस द रेशियो इंटरफेरेंस, रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए जो पावर कंट्रोल और वायरिंग पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेस वेज में चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
why the motor is not changing the direction in if reverse push button is pressed in forward and reverse control star delta starter. मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है, तो क्यों नहीं जो है दिशा क्यों नहीं बदल रही है, तो इसका रीज़न क्या है आपका रिवर्स कंट्रोल में इंटरलॉक के कारण. ठीक है, जो आपका रिवर्स कंट्रोल है उसमें इंटरलॉक के कारण, ड्यू टू इंटरलॉक टू इन रिवर्स कॉन्टैक्टर. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम्स वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर्स. यानी एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है. तो कौन सी नियंत्रण प्रणाली है जो बहुत कम बिजली की खपत करती है. ड्राइव्स कंट्रोल. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन. यानी ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है. तो ये कॉन्टिन्यूस ड्यूटी ड्राइव. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द नेम ऑफ द करेक्टरिस्टिक कर्व इन डीसी ड्राइव. यानी डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है. इसका नाम क्या है, ये आपका है स्पीड टॉर्क वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक. स्पीड और टॉर्क के बीच में ये ग्राफ आपका बन रहा है. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी ड्राइव. यानी एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है. तो आइए देख लेते हैं एक्स के रूप में चिन्हित घटक कौन सा है. ये है, ये इसका नाम क्या है, तो ये डीसी बस है. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव. यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है आपका, अगर कोई पूछे तो ये क्या है इलेक्ट्रिक ड्राइव एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर. यानी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है. ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बी ओ पी इन डी सी ड्राइव. यानी डी सी ड्राइव में बी ओ पी का पूर्ण रूप क्या है. तो ये क्या है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ओ पी का फुल फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव अकॉर्डिंग टू डायनेमिक्स एंड ट्रांजियंट्स. यानी डायनेमिक्स और ट्रांजियंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है. डायनेमिक्स और ट्रांजियंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण क्या है, ये वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पावर कंट्रोलर इन ड्राइव सर्किट. यानी ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है. ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य होता है, या मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर. ठीक है, यानी इट डिटेक्ट्स द ओवरलोडिंग कंडीशन फॉर मोटर. ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू कीप वी बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट इन अ ड्राइव. यानी किसी ड्राइव में वी बाई एफ अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक होता है. तो क्यों आवश्यक होता है किसी ड्राइव में वी बाई एफ के अनुपात को स्थिर रखना, ये आपका मेंटेन द रेटेड टॉर्क एट ऑल स्पीड. सभी गति पर रेटेड बल आघूर्ण को समान बनाए रखने के लिए. ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन विच पावर मॉड्यूलेटर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम. यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है. तो इसमें किस जो है पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है, साइक्लो कन्वर्टर का यूज किया जाता है. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ सेंसिंग यूनिट एम्प्लॉयड इन अ ड्राइव सिस्टम. यानी ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है. तो यहाँ पर स्पीड सेंसिंग. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ मशीन
इन इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइड विथ मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है, तो रोलिंग मशीन प्रदान की जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज फॉर एडी करंट ड्राइव्स, यानी एडी करंट ड्राइव्स के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर स्लिप कंट्रोलर का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉक की इन कंट्रोल पैनल ऑफ डीसी ड्राइव, डीसी ड्राइव में नियंत्रण पट में जॉक कुंजी का उद्देश्य क्या होता है, तो इंचिंग ऑपरेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इंचिंग ऑपरेशन के लिए जॉक कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलसीडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव, यानी डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है, तो ये आपका मॉनिटर द पैरामीटर, पैरामीटर को मॉनिटर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग शील्डेड केबल फॉर कनेक्टिंग लो लेवल सिग्नल सर्किट इन डीसी ड्राइव, डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का कारण क्या है, तो इसका मेन रीजन क्या होता है, एलिमिनेट द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर डी विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच डिवाइस कंट्रोल द स्पीड ऑफ एसी मोटर इन एसी ड्राइव, यानी एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है, तो कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव, एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है, तो कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर्स, मोटर्स में नियंत्रण रहित गति को कंट्रोल करने का कार्य होता है एसी ड्राइव का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आईजीबीटी इन एसी ड्राइव, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का मेन कार्य क्या होता है, तो ये कंट्रोल द पावर डिलीवर्ड टू द मोटर, यानी मोटर को दी गई शक्ति को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Why the AC drives are better suited for high speed operation, यानी high speed operation के लिए AC drive बेहतर क्यों है, तो high speed operation के लिए AC drive क्यों बेहतर होता है, No brushes and commutations, option number D, यानी इसमें कोई भी brushes और commutation नहीं होता है। Next question, what is the advantage of AC drive compared to DC drive, DC drive की तुलना में AC drive का क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा अगर पूछे तो इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस, मतलब जो आपकी इस डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है, यानी एसी ड्राइव जो है उसका इंस्टॉलेशन और रनिंग कॉस्ट क्या होता है, कम होता है डीसी ड्राइव की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल सिंगल क्वाड्रेंट लोड्स ऑपरेटिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन ड्राइव्स, यानी ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फील्ड सप्लाई यूनिट PFSU इन डीसी ड्राइव, यानी डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य होता है, तो क्या कार्य होता है, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करने का कार्य होता है डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का, ठीक है, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज टू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट सवाल है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव, यानी डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है, तो डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।